नमस्कार, मैं हूं शक्रवार सुमंत और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24। भारी वाहनों के रोक के लिए लगाया गया हाइट गेज बैरियर को अवैध बालू माफियाओं ने 24 घंटे के अंदर ही तोड़ा। खबर जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र के गामर थाना स्थित कर्मनाशा पुल से है, जहां पीडब्ल्यूडी के सेतु निगम ने निरीक्षण के दौरान कर्मनाशा पुल पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित करते हुए रोक लगाने के उद्देश्य से 10 फीट की ऊंचाई पर हाइट गेज बैरियर लगाया गया था। यह बैरियर पुल के एकदम समीप पुलिस बूथ पर ही लगाया गया था। बैरियर के लग जाने के कारण बालू के ट्रकों का आना जाना बंद हो गया था। बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से धक्का मारकर हाइट गेज बैरियर को तोड़ दिया गया। हालांकि बिहार में लगा यह बैरियर अभी भी सुरक्षित है। पुलिसकर्मियों का हाइट गेज बैरियर टूटने की जानकारी होने पर विभाग में हड़कंप मच गया। इस संदर्भ में एसडीएम सेवराई राजेश प्रसाद ने पब्लिक वाइफ से बात करते हुए क्या कुछ बताया, आइए जाने। मेरा संज्ञान में यह लाया गया है, मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करें और जो भी इसमें संलिप्त पाए उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा लोक निर्माण विभाग को भी इस बात का ताकीद कर दी गई है कि वहाँ पर पुनः हाइट गेज बैरियर लगाने का प्रबंध करें। अपने क्षेत्र के तमाम खबरों के लिए पीपी न्यूज 24 से जुड़े रहें।